हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों फाइनली आज हमारे घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामान लगने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके ठंड के दिनों के लिए। और क्या सामान लगने वाला है ये देखिए, ये है गीजर। आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग गीजर लेकर के आए हुए थे, तो आज हमारा ये सेट होगा। हाँ। ए बाबू क्या कर रहे हो, गीजर लगेगा, गीजर नहाना, ये तो सबसे ज्यादा मजा लेगा अगले साल, ये नेक्स्ट ईयर, क्योंकि उस समय खेलेगा कूदेगा ना, तो गर्म पानी से काफी मजा लेगा ये, इस साल नहीं। हाँ तभी मिस्त्री जी भी आ गए हैं। मिस्त्री भैया अभी देखिए, हाँ ये नाप जो के यहाँ पे कर रहे हैं अंदर में, क्योंकि आधा अधूरा काम है, इसमें बोर्ड वगैरह तो लगा ही नहीं है, बिजली का काम हुआ ही नहीं है, फिर पानी फिर गर्म कैसे होगा, कनेक्शन चाहिए ना गीजर का, तो ये सोच रहे हैं अभी। और ये रहा हमारा गीजर, बोर्ड ऊपर में लगेगा, वही तो कहाँ लगेगा, किधर किधर करेंगे, अभी इन लोग जाने डायरेक्ट, पहले बिजली का काम करिएगा तब लगाइएगा ये वाला, पहले टांग ले कर तो बोर्ड, तभी बोर्ड में अभी यहाँ लाइन अभी पहले देंगे, उसके बाद अभी करेंगे ड्रिल करेंगे, अभी ये बोर्ड वगैरह लगा हुआ कहाँ बोर्ड सेट करना वो भी कह रहे देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगेगा बल्ब, यहाँ पे लगना बल्ब, लेकिन बल्ब सेट किए नहीं, इसको तो ऐसे टेम्प्रोरी लगा दिए थे, तो गीजर को ही पूरा ले के चलेंगे ना, आसान पड़ेगा ना अपने उपने में, इसी को ले चलिए, पकड़ देंगे ना, इधर लाइट उठ है, इधर करंट है, इधर तो यहाँ ड्रिल मारना है ना, तो ये देख रहे हैं, तो बढ़िया तरह से गीजर को सेट कर दे, अब निशान मारना, निशान दे दिए बढ़िया तरह से, राख ही देंगे कुछ नहीं, अब ड्रिल करना है फिर सेट करना है, हो जाएगा, ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, तो ड्रिल क्या हुआ हो चुका है, बाकी ये सब डालना है अंदर में, तो ये सब लेके जा रहे हैं और दे रहे हैं मिस्त्री को, करेंगे ले ले गिरा ले बेस के ऊपर गिरेगा नहीं, चाहे टांग देना, और जोरों की हमको भूख लगी है, खाए भी नहीं है ना, इधर खाना पीना खा लेते हैं, तो देख रहे हैं खाना में क्या क्या है, तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, पहले भूख लगी है, फिर जब हो जाएगा फिर आपसे दिखाते हैं किस तरह से हमारा वाशरूम में गीजर सेट हो रहा है, तो इधर गुज्जा वगैरह लगा दिए सेट कर दिए, अब इसको टांगेंगे, तो पूरा सेट हो गया, अब ये नट लगा रहे हैं, अब हो जाएगा, तो रेंच वगैरह दे रहे हैं ला करके पापा, कितना साइज कितना नंबर का रेंच लगेगा, इसमें एडजस्ट करना पड़ता, टाइट कर रहे हैं, फिर अब टांगेंगे इसको, फिर कनेक्शन देंगे, और दोस्तों अभी हो चुका है लगाया हुआ, बढ़िया तरह से गीजर को टांग दिए हैं, और ये देखिए गीजर यहाँ टांग दिए अभी, और अभी कनेक्शन बस दिए नहीं है, तो कनेक्शन अभी नहीं दिए, इसलिए नहीं दिए ना, हमारा सिंटेक्स काफी गंदा हो गया है, अगर कनेक्शन दे देंगे तो गंदा पानी हमारा गीजर में घुस जाएगा, नया गीजर पे है ना, खराब होने का चांस ज्यादा रहेगा, इसलिए मना कर दिए, और अभी वो टांग करके चले गए, कुछ देरी के बाद वो आएंगे, फिर तब तक हम लोग टंकी को साफ कर लेते हैं, और देखते हैं ऊपर जा करके अभी क्या दशा टंकी का, देखिये पूरा धान उन कटा हुआ लगभग होने चला, कितना ही ज्यादा गंदा है, काफी गंदा है, इसको साफ करते हैं, नीचे से सारा सामान उठा लेते हैं, बाबू को अभी सुला रहे रिया जी, तो मेरे को ही करना पड़ेगा, नीचे जाते हैं और सारा सामान एक बार उठा लेते हैं, तो पहले कपड़ा को चेंज कर लेते हैं, दूसरा शर्ट डाल लेते हैं ना, तो शर्ट हम दूसरा चेंज कर लिए हैं, दूसरा डाल लें, क्योंकि वाला हमको साफ करना है, तो शराब भी ले लिए, थोड़ा सा रस्सी भी ले लिए छोटा सा, पानी को फेंकना पड़ेगा उठा के ना, चलते हैं और साफ करते हैं अकेले, सब ले लिए शराब ले लिए रस्सी ले आए, और ये सब डब्बा सब तो यही है, ये डब्बा सब साफ करते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं, सिंटेक्स के अंदर में घुस गए आधा, और कितना अच्छा लग रहा है, चलिए धीरे धीरे घुस जाते हैं पूरा, चलिए पूरा घुस गए हम सिंटेक्स के अंदर में, अब पानी के हम रखते हैं, देख रहे कचरा कितना ज्यादा हो जा रहा है, ये सब कचरा ही सब हमारा नल में फंस जाता है, जा करके नल हमारा जाम हो जाता है पूरा, तो मम्मी आए हुए, तो मम्मी जी को कह रहे हैं कि वो बाल्टी देंगे, और एक बाल्टी हम कितना बार बार ऊपर उठेंगे फिर आएंगे, कोई सुन लेते ना बाल्टी एक माए दे,
मम्मी उठ रहे बाल्टी लेके। हाँ हटिया दे दे, चलिए घोस रहे दे दे ना तो दे। हाँ चलिए देखिए एक बाल्टी पानी भर लिए, ये थोड़ा अच्छा पानी है, अब मम्मी को देते जाएंगे, मम्मी को हम देते जाएंगे, फेंकते जाएंगे पानी को। ये कितना गंदा आ रहा है ना, इन्हें फेंक दे, नहीं दे फेंक दे कौन ना। दोस्तों बढ़िया तरह से सारा पानी खाली कर दिए है, ये तो पहले डाले हुए थे और ये गंदा पानी है, लगभग सारा हो गया और एक बार साफ भी कर दिया, अब साफ लग रहा है ना, तो पूरा एकदम चमक रहा दोस्तों, पूरा एकदम अच्छा से एकदम कर दिया साफ, देख रहे ना काफी वक्त लगा साफ करने में। चलिए अब मिस्त्री जी भी आ गए हैं, तेरी लाग बकर ले ले पानी धर तू। चलिए अब हम बाहर निकालते हैं, दे दिया उनको बाल्टी, पूरा हो गया साफ क्या हुआ, अब हम भी बाहर निकालते हैं यहाँ से। चलिए जंप लगा रहे हैं ना, चलिए हो गया, अब इसको मच्छरदानी को पूरा ढक देते हैं, उसके बाद फिर चालू करेंगे, ऐसे ही करके पानी भरेंगे, जब भी पानी भरेंगे ऐसे ही करके भरेंगे, होने से क्या होगा कि गंदा जाएगा नहीं, सारा गंदा ही फिर रह जाएगा, अब इसमें आएगा पानी ते 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 ते। और ये देखिए पानी आ गया, देख रहे कितना कचरा आता है, ऐसे ही कचरा आता है, अब इसी में रहेगा, अब जब भी पानी भरेंगे ना ऐसे करके पानी भरेंगे। लीजिए सरप लीजिए, सारा सामान हो गया उतारा हुआ, सब उतार दिए, और देखिए बाबू देख रहा है, ए बाबू ए लाइन कट गया, अरे लाइन कट गया, अब लाइन का इंतजार करना पड़ेगा, सारा सामान तो सेट है, अब खाली उसमें पानी भरना है। हाँ बोर्ड इसका कैसे कैसे करके किधर किधर से आए? अच्छा ऐसे ऐसे बोर्ड किए हुए ना। अच्छा ऊपर में दे दी। और दोस्तों काफी इंतजार किए और अभी लाइट आ चुका है, बल्ब जल रहा और मिस्त्री जी अभी अंदर में काम कर रहे हैं, देखो ले बाबू बन रहा मतलब गीजल, अब गर्म पानी आएगा, हाबू हाबू होगा बाबू। आया जी सब चीज जोड़ दिए हैं, पाइप वगैरह सब जोड़ दिए हैं, चालू हो गया ना? चालू भी हो गया गीजर हमारा, देखिए अभी लाइट यहाँ जल रहा है, बाद भी गर्म हो रहा कि नहीं? हाँ कितना देर लगेगा गर्म होने में? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट। अच्छा इसको खोल के देखिए ना किधर से कोरोना गर्म पानी निकलेगा, उससे कैसे निकलेगा, ये दोनों में से कौन वाला खोलने वाला? तो ये ना कौन वाला निकलेगा, कैसे निकलेगा? इसमें निकलेगा, झरना में पानी भरा दो, देख दो पानी गिरेगा झरना, क्या रहा गरम ठंडा? हाँ उधर खोल के देखिए, उधर खोल के देखिए, उसको उधर घुमाइए। और दोस्तों हमारा पूरा परिवार कितना खुश था कि अब गर्म पानी में नहाएंगे, लेकिन हो गई पोपट, जो सोचे थे वो नहीं हुआ, देखिए मिस्त्री जी लगे हुए हैं अभी बना ही रहे, लेकिन गर्म पानी नहीं आ रहा, तो नल में निकलना चाहिए, वहां खोल के कोई गर्म पानी निकालेगा, आया नहीं आ रहा ना, अब क्या होगा समझ भी नहीं आ रहा, 6,500 रुपया की नुकसान हो गई, 7,500 रुपया का, कितना प्यार से लेकर के आए थे गीजर, सोचे पूरा परिवार खुश हो जाएंगे, नहाने नहाएंगे गर्म गर्म पानी में, तो हम लोग का उल्टा हो गया, इधर गीजर चल ही नहीं रहा। और दोस्तों इधर मिस्त्री जी बना रहे लेकिन पोपट हो गया, तो देखिए इधर चांदनी भी आ गई सुपरे खटिया के नीचे में, मैं भी आ गए स्कूल से आ गई, चांदनी नहीं चल रहा गीजर, हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो सोच हम लोग कितना खुश थे, लेकिन पता नहीं था गीजर ही खराब है कि नहीं, हमारे तो मम्मी को बता रहे चल भी नहीं कर रहे गर्म पानी, मम्मी जी भी इधर देख रहे खराब हो गया गीजर, पता नहीं क्या बात है, देखिए देखिए इधर बना ये कह रहे कि नल भी खराब लाए, तो दोस्तों काफी ट्राई कर लिए लेकिन हमको लग रहा है कि नल जाम होगा, जो गर्म पानी वाला जो नल है ना वो जाम होगा, इसलिए आ नहीं रहा है, तो इसको बढ़िया तरह से खोलेंगे, कल सामान वगैरह लेकर के आएंगे खोलने का, उसके बाद बनाएंगे, पानी भी भर गया बंद कर देते हैं, पोपट हो गया, इसे चला नहीं, सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा, किना खराब किना लाइक के चला खराब, कचरा वचरा जाम उन भी बता रहे कचरा वचरा जाम हो गया, काफी कचरा आता है, तो अब क्या होगा, तभी हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं फिर बाजार जाएंगे, ए बाबू बाजार जाएंगे, कपड़ा जाओ कपड़ा पहनो जाओ, हाँ जाना तो कपड़ा पहले पहनो ना, इधर से आ गई नीतू रानी ब्लॉग्स, नीतू कहाँ गई थी, खराब हो गया गीजर, गीजर नहीं बन रहा, पानी आ रहा गर्म पानी, तो हम मुँह कान धो लिए फ्रेश हो गए, हम नहाए नहीं क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा था, बाकी इधर भाई जी इधर खा रहे हैं लंच अभी कर रहे हैं,
तो हमको जाना अभी बाजार थोड़ा सा, तो इनको भी छोड़ते हुए जाएंगे, इनका भी घर वही साइड में पड़ता है, तो हम थोड़ा कपड़ा वगैरह चेंज कर लेते हैं, जल्दी से कपड़ा चेंज करते हैं फिर चलते हैं बाजार। तो हम कपड़ा वगैरह पहन के हम रेडी हो गए बाजार के लिए, क्योंकि हमारे साइड में शाम में ही बाजार लगता है और साप्ताहिक बाजार लगता है। बाकी इधर मिस्त्री जी भी रेडी है झोला वगैरह लेकर के, चलते झोला ले लिए, स्कूटी हमारा बाहर में ही खड़ा है, चलिए जी। और दोस्तों पहुंच गया बाजार, यहाँ से सब्जी लेते हैं, ये हमारा बगल गांव का बाजार है, तो अभी पहुंच गया अभी सब्जी दुकान के पास, तो यहाँ से ले लेते हैं जो जो इनके पास सब्जी है, फूल गोभी है, इधर टमाटर है, आलू है। टमाटर कितना नियर था एक टमाटर? टमाटर 40 घटला है, बढ़ला है। और गोभी? यहाँ से गोभी ले रहे हैं 1 केजी, बढ़िया बढ़िया सुन करके दे, सब फेमस है भाई, सब फेमस है भाई, सब्जी सब्जी लाइन। चलिए यहाँ से ले लिया सब्जी और आगे देखते हैं, आगे से और सब्जी लेना। सारा सब्जी हम ले लिए मार्केट में, शाम भी होने चला, अब घर चलते हैं मिठाई लेकर के। दोस्तों हम बाजार से घर पहुंच गए और घर आते आते पूरा रात हो गया, तो सब्जी को यहाँ किचन में रख दे रहे हैं। कौन है जी? किचन में कोई नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, तो यहाँ पे रख दिया सब्जी को, देख रहे घर में कोई है कि नहीं। ये देखिए इधर नीतू और चांदनी बैठे हुए बाबू को खिला रहे, बाबू सोया हुआ तो पढ़ाई कर रहे हैं लोग। तो ड्रेस हम चेंज कर लिए, थोड़ा ये घर का कपड़ा पहन लें ताकि थोड़ा सा आराम लगेगा, और सभी लोग अब सोने का इधर तैयारी कर रहे हैं, बाबू को लेकर के बैठे हुए हैं और नीतू इधर से चाय लेकर के आ गई, चाय और ये क्या है पापड़ लेकर के आई, चांदनी भी सो गई और बाबू को लेकर के ये बैठे हुए हैं रियाजी। और दोस्तों काफी खराब हो गया, हम लोग सोचे थे ना कि गीजर चलेगा कितना अच्छा सबका सही होगा, पूरा परिवार नहाएंगे, मतलब विशेष नानी जी के लिए हम लोग खरीदते हैं जिसे आप सभी लोग बताएं, लेकिन हम लोग का गीजर खराब हो गया, खराब नहीं हुआ, चला नहीं, खराब कहाँ, पाइप जाम है ना, पानी का पाइप जाम इसलिए चला नहीं, सारा खुशी गम में बदल गई हम लोगों की, कितना खुश थे तुरंत अचानक गम में आ गया, पूरा परिवार सब खुश था कि गर्म पानी में नहाएंगे, गर्म पानी में नहाएंगे, और तो एक पल भर के लिए सब उदास हो गए, लेकिन खैर कोई नहीं, कल बनेगा वो चीज़। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गीजर हमारे लिए सही है कि नहीं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्यों नानी के लिए हम लोग लिए हुए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।